सुखी रहो, सदा सुखी रहो। इस गुरु का आशीर्वाद समझ लो तुम्हारे जीवन में हमेशा छाया रहेगा। हम लोग तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, बस शादी की तारीख बता देना। आज तक ये मेरी हर बात को मानता आया है, अब से तुम्हें भी मानना होगा। आज तक तुम खुले बैल की तरह इधर उधर घूमते रहे हो, अब तुम्हारी लगाम ये संभालेगी, इसका ख्याल रखना। जरूर, आचार संस्कृति सबको किनारे रखकर अब इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब और कुछ दिनों में तेरी भी शादी हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मिलन की शादी हो पाएगी, और ना ही ये करेगा, क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी है। तो ये बात मुझे तुम पहले ही बता देते। ब्रह्मचर्य कोई बुरी बात नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत मुश्किल होता है। 100 वरदानों के बराबर होता है एक ब्रह्मचर्य। अच्छा, काफी देर हो गई है, अब हम चलते हैं। अरे जाने में इतनी जल्दी क्यों है? आज ये पहली बार हमारे यहाँ आई है, खाना तैयार है, खाना खा के जाओ ना। वो फिर किसी दिन, एनी को हॉस्टल पहुँचाना है ना। हाँ, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। एनी जब भी तुम्हारा मन करे यहाँ चली आना। चलती हूँ। हाँ देवा, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। वो आदमी आखिर है कौन? देवा से मिलने के लिए रत्नगिरी से आता है। मिलन। कौन था वो? वो ऐसे ही मेरी जान पहचान का है। मिलन। हाँ? मुझे एक जगह जाना है। जाना है कहाँ? यही रत्नगिरी तक जाना है। एनी के घर वाले के सामने तुम्हें भी रहना चाहिए ना। क्या करूँ, जरूरी काम आ गया है, तुम संभाल लेना। आओ आओ आओ, तुम लोग इस समय यहाँ जरूर कोई ना कोई बात है, चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा है। एनी कहाँ है? वो किचन में खाना बना रही है, वो कुछ ज्यादा ही खुश है। तुम लोग बैठो ना। हम यहाँ बैठ के चाय पीने के लिए नहीं आए हैं, उसे बुलाइए। क्यों, क्या हो गया? और क्या होगा, आप तो बोल रहे थे कि वो लड़का बहुत ही गुणवान है। उसके बारे में हमने छानबीन की, वो बहुत कमीना निकला। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, जरा खुल के बताओ। बता दो इन्हें, ताकि देख कर इनके भी आके खुल जाएं। क्या हुआ, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? मैं भी नहीं जानता, तुम्हारी देवा से शादी नहीं हो सकती ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक नहीं बताया। अब बताने से क्या होगा, जो है खुद अपनी आंखों से देख लो। ले देख, जिससे तू प्यार करती है उसका मेरे का असली चेहरा। इस फोटो में जो है वो उस कमीने की पत्नी है। ये तुम लोग आखिर बोल क्या रहे हो? नीजी आप भी देखिए कितना बड़ा कमीना है वो। नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगी। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सबूत चाहिए? अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अब हमारे साथ चल। मरमंगल में लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, एक बार उनसे भी इस बारे में बात कर लो ना। कुछ भी हो जाए अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, किसी हाल में भी नहीं, भूल जाइए उसे, चलो रे। क्या देख रहा हूँ, इसमें चौंकने की क्या बात है, ये आपके होनहार देवा बेटे की पहली पत्नी है। क्या हुआ, नारायण महाराज की बोलती क्यों बंद हो गई? ये तो अच्छा हुआ हमारी बहन की शादी से पहले हमें ये बात पता चल गई। लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में किसी ने भी मेरी बहन का नाम तक लिया तो यहाँ तक नहीं आऊंगा, रास्ते में ही मार डालूंगा। ये बात अपने देवदत्त को समझा देना। तुम लोगों की आचार संस्कृति क्या है अब हम समझ गए हैं। लगता है तुम्हारे खानदान में रखेल रखने का रिवाज बहुत पुराना है। बस करो, हमें ये जली कटी बातें तुम्हें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देवा के बारे में चाहे कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। तुम लोग सिर्फ एक फोटो दिखाकर रिश्ता तोड़ना चाहते हो। ठीक है, यकीन मत करो, लेकिन जब वो आए तो बोल देना कि हम गिरे हुए खानदान से नहीं है। याद रखना, वो कमीना हमें कहीं नजर आ गया तो हम उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आएंगे। चलिए पिताजी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुन बेटे, यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ है पिताजी न जान पाए।